हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसान एस्प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि टिफर एग्ज़ाम जो है हो चुका है और उसका जो आपका रिस्पॉन्स शीट है वो टिफर ने रिलीज़ किया था बाय मिस्टेक। टिफर का कहना है कि उन्होंने कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण गलत रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ किया है, बट रियलिटी ये है कि आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 30 के ऊपर नंबर ला रहे हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप 30 नंबर ला रहे हैं या नहीं, तो ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा 30 नंबर आप ला रहे हो नहीं ये बताने में। हम अभी आपके साथ दो सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पहला सेक्शन जनरल साइंस का है और दूसरा सेक्शन फिजिक्स का है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें हम जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। और जनरल साइंस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम आपके 20 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और फिजिक्स में 20 नंबर के 40 नंबर आपका हो जाएगा। बाकी बायोलॉजी 20 नंबर का अगर टाइम मुझे मिलता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। आप 60 नंबर में आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 30 के ऊपर आ रहे हैं तो आप एसओपी वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है। अगर आप यहाँ पे जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन देखोगे, दैट इज़ अ टू ईजी क्वेश्चन एंड दिस इज कम फॉर द वन नंबर। इलेक्ट्रिक कार्स आर कंसिडर्ड मोर इको फ्रेंडली बिकॉज, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा कि इलेक्ट्रिक कार जो है, इलेक्ट्रिक कार वो मोर इको फ्रेंडली है। मोर इको फ्रेंडली है क्यों? इको फ्रेंडली वो चीज़ें होती है जो कि हमारा इन्वायरमेंट को डैमेज कम करती है या जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। यहाँ पे चीपर सा टर्म का मतलब कुछ नहीं है, चीपर हो या ना हो इको फ्रेंडली से मतलब नहीं होता। दूसरा, दे कैन कैरी द मोर पीपल, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। दे आर बोल्ड बाय बायोडिग्रेडेबल पार्ट्स, बायोडिग्रेडेबल पार्ट्स से बना हुआ है, ये भी इको फ्रेंडली नहीं है। मतलब इको फ्रेंडली का क्या मतलब है कि हमारी इकोसिस्टम को सही से क्या करें, हमारे इकोसिस्टम में कोई भी पोल्यूशन कॉज ना करें। तो इलेक्ट्रिक कार जो होती है वह एयर पोल्यूशन नहीं करती है क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो जो स्मॉक है या जो धुआं होता है वो नहीं निकलता है, जिस कारण से क्या है वो मोर इको फ्रेंडली है कंपेयर टू अनदर कार। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है आपका एक है, तो इसमें आप एक नंबर ला सकते हो और इजी क्वेश्चन है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, अ बैट इको लोकेट एंड रिसीव एन इको 10 मिलीसेकंड लेटर। देखिए बैट में इको लोकेशन की प्रॉब्लम होती है, इको लोकेशन की फिनोमिना होती है। इको लोकेशन का मतलब है कि बैट जो है, जो सेंस करता है अपने प्रे की प्रेजेंस और अब्सेंस, दे आर डिपेंड ऑन द इकोलोकेशन। यहाँ पे एक बैट है, यह बैट यहाँ से एक वेव प्रोड्यूस करती है जो किसी भी चीज़ से टकराता है, फॉर एग्जांपल प्रे से टकराता है, और यह वेव रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आता है और इस वेव को ये बैट जो है सेंस करता है एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको लोकेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा कि इको लोकेशन का बैट जो है 10 मिली सेकेंड पे यह इको लोकेशन को ला रही है। दस मिली सेकेंड पे मतलब 10 × 10⁻³। तो अब यहां से देखिए ये वेव जो है, ये वेव कहां तक गई, यहां तक गई। इफ वी अज्यूम दैट दिस इज एक्स, तो जो हमें टाइम सुनाई दे रहा है, जो हमें 10 मिली सेकेंड में जो सुनाई दे रहा, इतनी देर में यह वेव कितना दूर गई है, एक्स और प्लस एक्स। मतलब अगर हम कहे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स मीन्स 2x,
यहां पे दे रखा है स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, स्पीड दे रखा 340 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका स्पीड दे रखा स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका है 2x, टाइम है आपका 10 × 10²-3, स्पीड है आपका 340। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2s = 340 × 10²-2, x = 340 × 10²-2/2। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 0, x = 170 × 10²-2, x = 1.70 meter। तो 1.7 meter, दैट इज ऑल्सो द इजी क्वेश्चन, आराम से आप एक नंबर ला सकते हो। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिपीट हुआ था और बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन एग्जाम था उससे पहले मॉर्निंग डोज की जो वीडियो रिलीज की गई थी उसमें इस बात को मैम ने डिस्कस किया था और ये सेम क्वेश्चन आ गया है। वहां पे उन्होंने बताया था कि यूनिश क्या होती है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखे होंगे ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा इन द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद द लॉन्ग राइट टेल। राइट लॉन्ग टेल है मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, रॉन्ग राइट टेल है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल इनकम इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, व्हाट इज द फॉलोइंग। ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ में ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। वो वीडियो में मैम ने आपको बहुत ही आराम से बताया था, जो हाईली फ्रिक्वेंट जिसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है दैट इज़ अ मोड। और बाकी मैंने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार आपको बताया है, बीच में जो होती है ये दैट इज़ द मीडियन। और जिसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ अ मीन। अब आपको एक्स एक्सेस पे देखना है, तो एक्स एक्सेस पे दैट इज अ मोड, दैट इज अ मीडियन एंड दैट इज अ मीन। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा, मीन। सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आप 0 से इस पॉइंट की तरफ चल रहे हो तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा, मीन। तो आप मीन को लिखो सबसे पहले, फिर एक्स एक्सेस से आप इधर जाओगे तो यहाँ पे क्या है आपका मीडियन, आप लिखोगे मीडियन। फिर इस पॉइंट से इधर जाओगे तो सबसे कम क्या है आपका मोड। मीडियन अगर बीच में है तो उसको रखिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बचा दो। अब सबसे कम क्या है, मोड है, तो सबसे कम आपका क्या होगा, मोड होगा। तो दैट इज द करेक्ट, सबसे कम मोड, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, मीन होगा, और सबसे कम आपका मोड होगा, मीडियन हमेशा बीच में होगा। तो ये तो इंसानियत प्रो बायोलॉजी के चैनल से ही रिपीट हो गया था, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। 3 नंबर तक तो आप बहुत आराम से ले पहुंच गए। ये क्वेश्चन और भी सरल है, यहाँ पे क्या दे रहा, अ बैडमिंटन टूर्नामेंट हैज़ अ 128 पार्टिसिपेंट। हमेशा याद रखेगा बैडमिंटन ए और बी के बीच खेला जाता है, ठीक है, मतलब दो प्लेयर काम आएंगे। नीड टू प्रोड्यूस जस्ट वन विनर, जब ए और बी जीतेगा इसमें से ए और बी में से कोई एक विनर होगा और जो विनर है वो अगले टूर्नामेंट में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे सी और डी और ले लें तो इसमें से मान लीजिए सी और डी दोनों में से कोई एक जीतेगा और इनके बीच और टूर्नामेंट एक होगा, ठीक है। प्रोड्यूस वन विनर इन ईच मैच, ओनली द विनर गोज टू द नेक्स्ट राउंड एंड प्ले वन प्ले विद वन ऑफ द अदर विनर, दिस प्रिसीड टिल अल्टीमेटली देयर आर ओनली द वन विनर, हाउ मेनी मैच विल बी पर्सन नीड टू रीच द सेमी फाइनल। सेमी फाइनल, यही टर्म आपको यहाँ पे समझना है,
सेमीफाइनल मतलब फाइनल से पहले वाला है। फाइनल में हमेशा एक मैच एक बंदा जीतेगा, लेकिन सेमीफाइनल में टोटल कितने लोग पहुंचेंगे? चार पहुंचेंगे। समझिए, सेमीफाइनल में मान लो कि ए और बी के बीच में हुआ एक मैच जिसमें से एक ए जीत गया, और सी और डी के बीच हुआ मैच जिसमें से सी जीत गया। इन दोनों के बीच में फाइनल होगा जिसमें से ए मान लीजिए जीतेगा। तो फाइनल मैच कौन सा है? दैट इज द फाइनल मैच। हमें पता लगाना है कि यहाँ तक पहुँचने में मतलब चार प्लेयर तक लाने में कितने मैच होंगे। हर एक मैच में दो प्लेयर काम आते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज अ 16। 16 से 8, 8 से 4, आपको कितने प्लेयर तक चाहिए? 4 प्लेयर तक चाहिए। ये आपका कहाँ पे पहुँचेगा? सेमीफाइनल में पहुँचेगा। कितने मैच हुए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 मैच के बाद आपके पास चार प्लेयर हुए, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी। इनके पास सेमीफाइनल होगा और इनके बीच में सेमीफाइनल होगा। तो कितने मैच की जरूरत पड़ी? 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इज 5। ये भी इजी था, इसमें भी आप एक नंबर तक ला सकते हो। 4 नंबर के क्वेश्चन आपने कर लिए। ये मैंने आपको बहुत बार बात किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है? पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, 15, 15, 33, 17, देखिए इसको हम लिख लेते हैं, 15, 15, 17। ये हमेशा आप स्टेट्स में याद रखिए कि स्टेट्स जब भी आप सॉल्व करोगे तो अब क्या करोगे, पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लोगे। फिर ये आपका है 30, 20, अभी इसको लिख लो 20, के बाद आपका 30, 30, दो बार आपका 30, 30, फिर है आपका 33, फिर 45 और 60। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है, ठीक है? तो अगर हम इसका मीन निकाले, मतलब इसमें एडिशन होगा सबका, दैट इज द मीन या एवरेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ईच डाटा वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय 5। ईच डाटा वैल्यू मतलब इसको भी आप 5 से ऐड कर दो, इसमें इसमें भी 5 ऐड करो, इसमें भी 5 ऐड करो, इसमें भी 5 ऐड करो, यहाँ भी 5 ऐड करो, यहाँ भी 5। हर जगह हमें कितने ऐड करने हैं? 5 ऐड करने हैं। मतलब अगर हम न्यू मीन की बात करें तो न्यू मीन में अगर आप 5 कॉमन ले लेते हो तो आपका यही डाटा आ जाएगा इस तरह से, 15, 15, 15, 20, 30, 30, 33, 45, 60 upon 10। तो यहाँ पे मीन डैश जो है आपका 5 मीन आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है, बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज बाय दी 5, ठीक है? मीन रिमेन सेम, सेम तो होगा नहीं, इसलिए दैट इज एलिमिनेटेड। सेम तो होगा नहीं, तो सेम वाला मैंने हटा दिया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता लगाना है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका फार्मूला होता है ये, सिग्मा इक्वल टू 1/n, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर। ये जो है यहाँ पे जो ये है, इसे वेरिएंस टाइप, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएंस। यहाँ से वेरिएंस कंसेप्ट प्रोडक्ट होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक ही डिजिट को हम इंक्रीज करते रहे सभी में, तो ये जो हमारा डिफरेंस आया एस आई और म्यू स्क्वायर, निगेटिव या पॉजिटिव ऐड करने के बाद ये जीरो को लीड करता है। तो ड्यू टू दिस रीजन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यहाँ पे सेम रहेगा, बट मीन इंक्रीज होगा।
तो ये सरल था, बट हम कह रहे हैं कि शायद आप इन ना लगा पाए, ठीक है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा कि वेयर वुड द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटरसेक्ट। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला, आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखो तो वाई इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसी तरह यहाँ भी अगर आप एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखते हो तो वाई इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर आप एक्स की वैल्यू वन रखो तो वाई की वैल्यू भी वन आएगा। यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू वन रखते हो तो वाई इक्वल टू ऑल्सो वन क्यूब वन आएगा। मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू जो है, मतलब इस केस में 0.0 एक पॉइंट है और एक 1.1 है। इस पॉइंट में भी 0.0 है और 1.1 है। ये दोनों सेम है, इसका मतलब यह एक्स, मतलब अगर आप इस तरह से ग्राफ खींचो तो यहाँ पे और यहाँ पे ये हमारा दोनों ग्राफ, दोनों के दोनों ग्राफ हमारा मिलेगा। कहाँ कहाँ पे? यहाँ और यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपके पास बचा है दैट और दैट। यहाँ पे लिखा है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, और ये तो लिखा है एट ऑल द पॉइंट बिटवीन एक्स वन। आओ हम चेक करें, हमने एक्स इक्वल टू 1/2 रखा तो वाई जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब 1/2 की पावर 2, 1/4। अगर हम एक्स बाई टू रख दें तो वाई इक्वल टू क्या होगा? एक्स थ्री। तो वाई इक्वल टू क्या होगा? 1/2 की पावर 3, वाई इक्वल टू 1/8। ये दोनों डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस है, मतलब ऑल पॉइंट तो नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, दैट इज द करेक्ट। एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। ये इजी था, हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एक नंबर आया हो। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इजी भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। इजी इसलिए है कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमें करना क्या है, और डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्लीवर्स लॉ टर्म दे दिया। क्लीवर्स लॉ आज तक ये पूछा नहीं गया है, तो इसलिए अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको इस पे वीडियो बना के दे देंगे। क्लीवर्स लॉ क्या कहता है? उन्होंने दे रखा है कि नंबर ऑफ द एनिमल स्पीसीज मेटाबॉलिक रेट स्केल्स एज अ 3/4 पावर ऑफ इट्स मास। क्लीवर्स लॉ कहता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है यह डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा, मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा आपके मास के 3/4 के। ये क्वेश्चन का कहना है। अब यहाँ पे दे रखा कि कैट का वेट 80 टाइम मोर देन माउस। अगर हम यहाँ पे कहे कि माउस की वेट हम अज्यूम कर दे 1, तो कैट का वेट होगा 80, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इनका मेटाबॉलिक रेट या कंज्यूम कितना करेगा वो। इन केस ऑफ अगर हम बी इक्वल टू लिखे बीटा, यहाँ पे माउस को 1 मान के हम कर रहे हैं, तो 1/3 बीटा इक्वल टू बी इक्वल टू बीटा इन केस ऑफ माउस। पर हमने क्या कहा, कैट के केस में बात कर रहे हैं, तो कैट का एम डैश, मतलब कैट का जो है वो 80 टाइम है। अब इस केस में अगर हम बी निकालते हैं तो आपका होगा बीटा इंटू एम डैश की पावर 3/4। बीटा इक्वल टू बी एम डैश 80 है, 80 की पावर 3/4। आपको पता होना चाहिए कि टिफर जो है आपको कैलकुलेटर अलाउ करता है, आपके स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा होगा।
उसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 80 की पावर 3/4। अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम उसको भी आपको सोल्व करके बताएंगे। बाकी आप इसे 75 लिख दीजिए, इसको जैसे ही आप पुट करोगे आपको पता चलेगा कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 26.74, बी इक्वल टू 26.74 बीटा, और बीटा इक्वल टू क्या है, बी, इसको बी डैश मान लीजिए, दैट इज द 27 बी। तो यह लिखा है कंज्यूम अबाउट 27 टाइम द एनर्जी ऑफ द माउस। यहां पे माउस की एनर्जी यह है तो 27 टाइम होगा। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इस क्वेश्चन को बस समझना था, लेकिन उन्होंने क्लीवर्स लॉ यूज करा था जिस कारण हम डर गए, हम लोग डर गए। बट यहाँ पे क्या है, डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आपका उसको ध्यान में रखना था, और उसको ध्यान में रख के आपको सॉल्व करना था। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं, 8 नंबर की बात करते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन आपने करा है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि इन द पॉपुलेशन ऑफ द इन अ पॉपुलेशन ऑफ रिमोट पैसिफिक आइसलैंड, जहां पे ग्रीन आई, देखिए ग्रीन आइस 3% है, दैट सेम पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिम्पल, डिम्पल की जो है 0.5% है। हमें बताना है ग्रीन डिंपल एंड ग्रीन 3% की प्रोबेबिलिटी है ग्रीन आई की, और 0.5% की प्रोबेबिलिटी है डिंपल आई की। एंड रूल ये कहता है कि इसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है और इसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एंड रूल का, एंड रूल जो है प्रोडक्ट रूल भी कहलाता है, यू नो दैट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5 तिहाई 15, 1 2, 0.15%। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 34 ये टोटल पॉपुलेशन है, इसका 0.15% आप निकाल लीजिए। 15 चक्कू 60, 15 4 60 का 0 6, 15 3 45, 45 और 6, 51। ओह सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 1 के बाद है ना, ये यहाँ पे जाएगा, तो नॉट दैट, दैट इज ओके। तो अब यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे आपका 0 हट गया, तो आपका कितना आया, 51, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका, 15 15 एक के बाद, तो 1.5 आएगा ना कि ये आएगा 1.5, और 1.5% जैसे निकालोगे आपका 51 आ जाएगा आंसर। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता है। और आपको मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैंने एंड रूल और प्रोडक्ट रूल कराए थे, एंड रूल सम रूल दोनों कराए हैं, आई थिंक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मैंने कराए हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप मेरे अगर वीडियो आप देख रहे हो ना लगातार, आपका कोई एग्जाम बचेगा नहीं, आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं ये ट्राई ही कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही से हर एक चीज़ को आप देखते हुए सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोल रहा कि 8 फेवरेट पेंटिंग है, 2 वॉल है, 2 हुक है, दैट इज अ वन हुक, दैट इज द अनदर हुक। ठीक है,
सी हैंग देम इन हाउ मेनी डिफरेंट वे, हमें डिफरेंट वे बताना है। जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आपको अगर नहीं आती प्रोबेबिलिटी तब भी आप इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। ए बी सी डी ई एफ जी एच, थोड़ा लंबा है, लेबोरियस है, बट ठीक है, बायोलॉजी वाले हैं, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा के कर ही सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आती है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब आप क्या करोगे, ए के सामने बी रख सकते हो, ए के सामने सी रख सकते हो, ए के सामने डी रख सकते हो, ए के सामने ई रख सकते हो, ए के सामने एफ रख सकते हो, ए के सामने जी रख सकते हो, ए के सामने एच रख सकते हो। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 7, देयर इज अ 7। इधर कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल उधर 8 है, 7 8 जा 56, मीन्स 56 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 64 क्यों नहीं, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अगर आप इसके बाद रिपीट करोगे ना, तो सेम आपको पेयर मिलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक बार आप ऐसे ही अरेंज करोगे, उसके बाद इसके साथ अल्टरनेट आप रखोगे ना, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, उसी तरह अब बी के साथ ए रखोगे, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ बी नहीं रखोगे ना, क्योंकि पेंडिंग एक ही एक है आपके पास, ना कि दो दो पेंडिंग। अगर दो दो पेंडिंग होती तो आप पॉसिबिलिटी थी 64 का, बट आपके पास एक एक पेंडिंग है। तो अगर आपने मेरा वीडियो प्रीवियस ईयर जनरल साइंस का देखा होगा, तो उसमें मैंने इस तरह के एक न्यूमेरिकल लगा के हमने आपको बताया था, तो इसलिए आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यू गेट अ गुड मार्क्स इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज अ पॉजिटिव वे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे यह एक सिलेंडर दे रखा और इस सिलेंडर को पेंट करना है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको पेंट करने की बात हो ना, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। और मैंने जो है आपको लास्ट में मिनट स्ट्रेटजी में बताया ही था कि आप कुछ करो या ना करो, आपको कम से कम कौन शंकु, मतलब वो क्या कहते हैं, कोन, सिलेंडर और सर्कल, सॉलिड, क्यूब, इनके फार्मूले आप याद करके जाइए। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई यहाँ पे है आपका 22/7, आर जो है यहाँ पे दे रखा 1 मीटर का रेडियस है, और एक और एच आपका है 20। 2 × 22 × 7 × 21, 6 × 12 = 1, 1 × 12 = 13, 132 m². अब आपको क्या देखना है कि 6 m² जो है वो 1 लीटर में है, 1 m² 1/6 लीटर में, तो 132 m² 1/6 × 132, 12 22 L जो है आपका इसका आंसर है, लीटर्स, 22 L। मानिए कि आपको फॉर्मूला नहीं याद था, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको भी हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है इफ द कैट प्यूपिल्स आर सर्कुलर, ये बी पार्ट आपका शुरू हो रहा, इफ द कैट प्यूपिल्स आर सर्कुलर इट इज लाइकली दैट। देखिए, अगर कोई भी चीज अगर इस तरह से हो रही है, मतलब इस तरह से होने का मतलब है कि यह एरिया इंक्रीज कर रहा है, और एरिया इंक्रीज करने का मतलब है कि एनिमल ये चाहता है कि जो भी चीज उसे नेचर से मिल रहा है वो ज्यादा मिले। ज्यादा मिलने का मतलब है कि वो चीज़ की सप्लाई नेचर में कम है। आँख का काम है लाइट के सेंस करना।
अगर सर्कल हो रहा मतलब डिम लाइट है, डिम लाइट है तभी तो सर्कल है, जितना अच्छा सर्कल होगा उतना ज्यादा हमें दिखाई देगा। तो अगर कैट की पीपल सर्कुलर हो रही है मतलब है कि वो अंधेरे में घूम रही है, इट इज अ वॉकिंग इन द डार्कनेस। ये लॉजिकल बात थी, इसमें आप 2 नंबर आराम से ला सकते थे। हाँ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत अगर आता होता तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें नहीं आ रहा था तो इसमें थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती थी, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करना था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट में भी मिलेगा, तो आप इसको ध्यान समझिए। गरिमा स्टार्ट अ बिजनेस विद अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि गरिमा गरिमा ने टोटल 3000 रुपये से शुरू किया, ठीक है, गरिमा ने आपका 3000 रुपये से शुरू किया। फिर बता रही है कि 3 मंथ बाद रिद्धिमा पहुंची, रिद्धिमा पहुंची और इसने इसमें 2000 रुपये दिए और बाद में इसमें विद्यमा पहुंची, विद्यमा पहुंची, इसने इसमें 1500 रुपये दिए। अब यहां पे दे रखा कि जो रिद्धिमा है इसने तो पूरे 1 साल दिए, यूज किए हैं 1 साल में, मतलब 12 मंथ तक पैसे दिए हैं, पर रिद्धिमा जो है 3 मंथ बाद किसके गरिमा के 3 मंथ बाद का मतलब है कि टोटल 9 मंथ तक रिद्धिमा ने पैसे दिए होंगे और विद्यमा के बारे में नहीं बताया गया है। बट विद्यमा को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना शेयर है उसके प्रॉफिट का, वो बता रखा है। ये आपका क्या बता रहा, प्रॉफिट बता रखा है 1500 रुपया, 15 नहीं 1600 रुपया, 16000 में। तो अब हमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज टोटली डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनटू टाइम। अगर हम यहां पे गरिमा की बात करें, हमने यहां पे किसकी बात करी, गरिमा की बात करी, तो गरिमा का इन्वेस्टमेंट है यहां पे 3000 और टाइम है 12 मंथ, मतलब 36000। यहीं पे अगर हम रिद्धिमा की बात करें, रिद्धिमा की बात करें तो रिद्धिमा का इन्वेस्टमेंट है 2000, पर कब तक, 9 महीने तक, मीन्स 18000। और विद्धिमा की बात करें हम तो विद्धिमा में मैंने कहा कि विद्धिमा ने 1500 रुपये दिए कब तक, एक्स मंथ तक, क्योंकि हमें यही एक्स निकालना है। तो ये हो गया आपका 1500 एक्स, ठीक है। अब इस यहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, यहां पे दिमाग क्या लगाना है, यहां पे जो है ये 1600 क्या है, 1600 आउट ऑफ 16000। आप क्या करो, इसको जो ये आपका मिला, हम क्या करेंगे, इसमें से 36 प्लस 18 इसको ऐड करेंगे, 0 0 0 8 और 6 8 बार 9 10 11 12 13 14 14 और 3 एंड 4 एंड 5 ये आएगा 54, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि ये जो क्या है, गरिमा का इन प्रॉफिट है, तो गरिमा का प्रॉफिट अपॉन
गरिमा का प्रॉफिट अपॉन क्या हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है प्लस एक्स इक्वल टू गरिमा को कितना प्रॉफिट हुआ है 1600। कितना है टोटल प्रॉफिट ये हम इसको इक्वल करेंगे यहां पे इसको आप डिवाइड करोगे तो यह आएगा 61/10। सेम इधर हम 1500x यहां से अगर आप 1500 कॉमन ले लो तो अगर आप 1500 कॉमन लेते हो तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 15 से 540 को डिवाइड कर लो। 15 से 540 को आप क्या करो डिवाइड करो तो कितना आएगा देखिए आपका टिफर जो है कैलकुलेटर देता भी है तो इसलिए आपको इतना टेंशन लेना भी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर मिलता है। ये आएगा 36 15 से 540 दो जीरो कट जाएंगे प्लस एक्स इक्वल टू 1/10। यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 36x इक्वल टू 10x तो 36 इक्वल टू 10x माइनस एक्स 36 इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 36/9 x इक्वल टू 4। देखो ज्वाइनिंग द सेम बिजनेस एंड आफ्टर सम टाइम ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। देन द प्रॉफिट वाज इतना शेयर और विदमा आवाज इतना हाउ मेनी मंथ डिड द विदमा इन्वेस्ट 4 मंथ। पर मैंने कहा कि शायद ये आपने नहीं पढ़ा हो आप इतना दिमाग ना लगा पाए हो तो इसलिए मैं इसको डिस्कस मतलब इसको एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है और इस क्वेश्चन का ऐसा मैंने जनरल साइंस में डिस्कस भी करा था। एक क्वेश्चन इस तरह का था जिसमें सेम प्रोटोकॉल अपनाया गया है तो ये क्वेश्चन तो हम ये कहेंगे कि आप बहुत ही इजीली इसको कर सकते थे। माला बार कार्नेशन हैज अ रेड एंड अ व्हाइट फ्लावर यू सस्पेक्ट दैट सन बर्ड्स विच आर डायरनल सन बर्ड डायरनल है पॉलिनेट द रेड फ्लावर रेड फ्लावर को पॉलिनेट करता है वेयर एज नक्टर्नल हॉक मॉथ पॉलिनेट द व्हाइट वंस। ठीक है टू शो दिस यू कवर द रेड फ्लावर एट नाइट एंड व्हाइट वंस ड्यूरिंग द डे ऑल फ्लावर बिकम पॉलिनेटेड व्हाट एडिशनल एक्सपेरिमेंट कैन यू डू टू सपोर्ट योर क्लेम। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया रात को रेड फ्लावर को और मतलब क्या इन्होंने किया कि यू कवर द रेड फ्लावर एट नाइट रेड फ्लावर जो है रात में कवर कर दिया जिससे कि हमारा हॉक मॉथ इसको पॉलिनेट ना कर पाए तो जो पॉलिनेशन हुआ वो ड्यू टू द सनबर्ड हुआ। ठीक है और वाइट फ्लावर को दिन में वाइट फ्लावर को दिन में ढक दिया जिससे कि सनबर्ड वाइट फ्लावर को पॉलिनेट ना कर पाए मतलब जितना भी पॉलिनेशन पाया गया ऑल फ्लावर जो पॉलिनेटेड था वो ड्यू टू रीजन ऑफ कन्फर्म हो गया कि रात में अगर रेड फ्लावर को हमने ढक रखा है तो उसका पॉलिनेशन दिन में हुआ होगा और दिन में अगर हमने व्हाइट फ्लावर को ढक रखा है तो इसका पॉलिनेशन हमेशा रात में हुआ होगा। ठीक है अब हम क्या करेंगे ये प्रोटोकॉल उल्टा कर देंगे और ये चेक कर लेंगे कि पॉलिनेशन हुआ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कवर द रेड फ्लावर ड्यूरिंग द डे हम डे में चेक कर लेंगे कवर कर देंगे रेड फ्लावर को चूंकि सनबर्ड सिर्फ दिन में ही पॉलिनेट करती है तो हम ये चेक करेंगे कि पॉलिनेशन कैसा हुआ है दिन में रेड फ्लावर को और वाइट फ्लावर को रात में जस्ट उल्टा उसमें जो हमने क्लू लिया था उसके जस्ट उल्टा क्लू हम इसमें लेंगे एंड हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस समय हमारा क्या होगा कि पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऑल बिकम पॉलिनेटेड है यहाँ पे ऑल बिकम नॉट पॉलिनेटेड होगा। अगर नॉट होगा मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस दैट इज करेक्ट तो ये आप बहुत ही इजीली कर सकते थे। ये आपका क्वेश्चन है देखिए
टॉक्सोप्लाज्मा इज अ पैरासाइट नोन टू इंड्यूस द बिहेवियरल चेंज इन द माइस सच एज मेकिंग देम लेस फियरफुल ऑफ अ कैट. अबाउट 30-70% ऑफ द वुमेन आर थॉट टू बी इन्फेक्टेड बाई द टॉक्सोप्लाज्मा. स्टडी वॉज कंडक्टेड टू डिटरमाइन इफ द रैकलेस ड्राइविंग लीडिंग टू द मोटर एक्सीडेंट कुड बी ड्यू टू द टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन एंड द फॉलोइंग डाटा वॉज ओबिटेंड. ये हमारा डाटा मिला है. हमें बताना है सीरो प्रिविलेंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज टू द टॉक्सोप्लाज्मा इन द ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट. कंट्रोल वर हेल्दी इंडिविजुअल नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रैफिक एक्सीडेंट. बेस्ड ऑन द अबव डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन यू कंक्लूडेड. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे बोला टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन कॉज द वूमेन टू गेट इन टू एक्सीडेंट. देखिए टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन को एक्सीडेंट के लिए नहीं बना रहा, इसलिए फर्स्ट वाला तो गलत है. यहाँ ये डाटा आपका ये नहीं बता रहा, आपको डाटा ये बता रहा कि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन होने से इंसान में जो कंट्रोल है वो कम हो रहा. मतलब टॉक्सोप्लाज्मा के इन्फेक्शन से एक्सीडेंट नहीं हो रहा, ये ग्राफ आपको ये नहीं बता रहा. ड्यू टू दिस रीजन फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. देयर इज नो रिलेशनशिप विद द टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन एक्सीडेंट. रिलेशनशिप तो है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, बट है. डायरेक्ट तो टॉक्सोप्लाज्मा आपको नहीं दे रहा इनफैक्ट, बट वो क्या कर रहा है डायरेक्ट की जगह, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स को, आपकी जो रेस्टलेसनेस है उसको इंक्रीज कर रहा ना. इन केस ऑफ द रैट और कैट में क्या है कि रैट को फेयरफुल बना रहा, तो वो कैट के सामने जा रहा, कैट उसको खा रहा है. तो डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जरूर है. तो दूसरा भी गलत है. आपका एक ही ऑप्शन बचा हुआ है थर्ड. तो दैट इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर कि टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज को रिलेटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. रिस्क को इंक्रीज कर रहा ना कि एक्सीडेंट के लिए कॉज है. तो इसमें आप दो नंबर ला सकते थे. और इस तरह की ग्राफ की स्टडी करना मैंने जनरल साइंस में बहुत सिखाया है. अगर अभी भी आप नहीं देखे हैं, अगर आप सन 2024 की टिफर की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पेपर्स को समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. अभी तक अगर आप रुके हुए तो आपको वीडियो तो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ पे देखिए क्या है. आर्कटिक टर्न इज वन ऑफ द फास्टेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड विद देन माइग्रेटिंग देम आर्कटिक टू द एंटार्कटिक पोल एंड बैक एवरी सिंगल ईयर विच इज अबाउट. देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा 90000 किलोमीटर इन टोटल ऑन एवरेज. बर्ड फ्लाई एट द रेट, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा 40 किलोमीटर पर आवर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पहला दे रखा बर्ड टेक 45 days टू कम्प्लीट 1/2 ऑफ द साइकिल. 1/2 मतलब 45000 किलोमीटर. इतना जो है ये बता रहा कि 45 दिन में लगेगा ये बोलना. तो कितना है 45 दिन में 45000 किलोमीटर चला है. स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट अगर हम इस पूरे डिजिट से निकालें तो दैट इज अ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया आपका 22.50 घंटे. टाइम जो है आपका ये जो है घंटे में मिला. आप इसको क्या करोगे दिन में अगर बदलते हो तो 24 घंटे होता है एक दिन में, तो आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आएगा 93 डेज. और 90,000 किलोमीटर चलने में 93 लगा है, तो 45 में क्या लगेगा इसको भी दो से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 और 6 के लगभग, मतलब 6, तो अप्रॉक्सीमेट यस 45 डेज लगेगा. तो दैट इज अ करेक्ट आंसर. तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं. ठीक है, दूसरा बर्ड कंप्लीट 65% ऑफ 1/2 ऑफ द जर्नी इन द मंथ. ठीक है, अब इसी को यहीं से हम
आगे की तरफ मूव करेंगे। 45,000 जो है वो आपका कितने दिन में लगा है, 45 दिन में लगा है, ये बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें कि 1 हाफ, 1 मंथ में कितना लगेगा, तो हम डिस्टेंस की बात करें तो 720 × 40, 720 × 40। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28, 29, 7 × 4 = 28, 1 2 1 2 इतना किलोमीटर। ये मैंने क्या करा, सेवन, ये क्यों लिया मैंने 720 और 40 क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड कितनी है 40, और 1 महीने में 30 दिन है, 1 महीने में कितना है 30 दिन है, और कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 4 × 12 = 8 में 1 × 3 = 6 = 7, तो 720 घंटे, 720 घंटे में कितना चल रहा, 2880। अब आप ये पता लगा लीजिए 2880 कितना है, तो 45,000 इंटू इंटू x/100, x/100 = 28800। इसको जब आप सोल्व करोगे तो x = आएगा 288 00/450, ये अप्रॉक्सीमेट 64% आएगा, मीन्स सेकेंड इज ऑल्सो द ट्रू। तो ये वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, थर्ड देख लेते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू द उसेन बोल्ट कंप्लीटिंग द 1 हाफ ऑफ द आर्कटिक अंटार्कटिक जर्नी इन 50 डेज एट द 10 मीटर वुड रिकॉर्ड प्लेस कंप्लीटेड एंड बन गया, दैट इज अ करेक्ट लाइन। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट लाइन, ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस तरह से मैंने जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आप बने रहिए, अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आप टिफर GS 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके साथ जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा इसी चैनल पे। तो ये चैनल आपके लिए जड़ी बूटी की तरह है, ये चैनल आपको हर एक चीज़ प्रदान करेगा जो आपको बायोलॉजी मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। इसी चैनल पे मैं मॉक इंटरव्यू से लेके आपके लिए एग्ज़ाम तक के क्वेश्चन पेपर भी तैयार करूँगा। तो इस चैनल से जुड़िए और आप अपने ड्रीम को बिना किसी टेंशन से अचीव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।